बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के रिश्ते टूट चुके हैं, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा कर रहे हैं कि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। वह अपने इस दावे के लिए राज्यसभा के उपसभापति पद का सहारा ले रहे हैं। हालांकि नीतीश इस पर उल्टा किशोर को ही घेर रहे हैं। बहरहाल, अगर 14 साल पुरानी सियासी घटना पर गौर किया जाए, जहां सीपीएम और यूपीए में खींचतान के बीच तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से बाहर निकाला गया था, तो किशोर के दावों को बल मिलता दिख रहा है। किशोर भी बिहार में पदयात्रा में जुटे हुए हैं। पश्चिम चंपारण जिले में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था, अगर आपने एनडीए छोड़ दी है तो आप वह पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, वह पद छोड़ें या सांसद हटा दें। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड कोटे के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश पर भाजपा के साथ विकल्प खुला रखने और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाने के जरिए जनता को डबल क्रॉस करने के भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि साल 2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में तनातनी शुरू हो गई थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि वाम दल ने 9 जुलाई को डील के खिलाफ विरोध में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 2004 में बनी सरकार में वाम नेता सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे। खास बात यह है कि वह लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले कम्युनिस्ट सांसद थे। तब 21 जुलाई को लोकसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सीपीएम चाहती थी कि चटर्जी सत्र से पहले पद छोड़ दें। पार्टी दिग्गज ज्योति बसु ने भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए संकेत दिए, लेकिन चटर्जी पार्टी के खिलाफ जाकर पद पर बने रहे। कहा जाता है कि उनका मानना था कि वह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं। नतीजा हुआ कि उनकी अध्यक्षता में ही लोकसभा का विशेष सत्र हुआ। बाद में वामदल की तरफ से बयानबाजी की गई, जिसमें वरिष्ठ नेता को पार्टी से बाहर निकालने की जानकारी दी गई। सिंह को लेकर जदयू का यह कहना है कि भले ही वह एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन इसके चलते राज्यसभा सांसद को संवैधानिक पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्यमंत्री मदान साहनी ने कहा था कि हम किसी भी हाल में भाजपा के साथ नहीं जाने वाले हैं, उन्हें क्या परेशानी है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह से अपनी ही मन की बात चला रहे हैं। सीएम नीतीश और भाजपा के रास्ते अगस्त में अलग हो गए थे। इसके बाद जदयू ने राजद कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाई थी। इससे पहले साल 2013 में भी जदयू ने भाजपा के दूरी बनाकर राजद से हाथ मिला लिया था। बाद में साल 2017 में नीतीश महागठबंधन से भी अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में पहली बार जदयू आंकड़ों के लिहाज से तीसरे स्थान पर पहुंची थी। इस दौरान राजद सबसे बड़ी और भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी थी। amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।